हेलो प्यारे बच्चों, कैपेसिटर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हीट डिसिपेशन पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। तो अज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है और ऐसा इसलिए हो गया है बच्चों क्योंकि हमने एक बैटरी स्विच क्लोज करके इसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दी है। इसके पास टर्मिनल्स रहेंगे, EMF रहेगा, तो यहाँ पर भी आप V पॉजिटिव और V नेगेटिव बता सकते हो। ऐसा करने से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जो हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ते हैं तो ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा इसका। अभी फिलहाल U का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 ऑफ Q इंटू V। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। सिमिलरली अगर अपन बात करें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है, अगर किसी चार्ज को मूव कराना हो तो आप लोग क्या बोलोगे? सर वर्क लगना है यहाँ, तो और वर्क हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ V। ठीक है, और कुछ ना कुछ वर्क तो यहाँ पे भी हुआ होगा बच्चों W इस कैपेसिटर के लिए। ये लाइन एग्जांपल के फॉर्म वाली है, तो ये जो वर्क डन है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं यहां से वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज, या ऐसा बोल सकते हो दोनों प्लेट पे चार्ज बताने के लिए कितना होता है वर्क डन, वो हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की लैंग्वेज में Q टाइम्स ऑफ V। और आप देखो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और वर्क कुछ और ही हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच से समझोगे तो क्या समझ में आएगा, इतना अपन ने काम किया है और इतना एनर्जी स्टोर हुआ है, तो आप कह सकते हो कि रिमेनिंग अमाउंट लॉस में गया होगा और जो हमेशा क्या हो जाएगा हीट डिसिपेशन में ही काउंट होगा। कई बार न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको हीट डिसिपेशन लिख देना है। ये हो जाएगा एच, उसका मतलब हो जाएगा W माइनस ऑफ U, वर्क माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा बच्चों Q टाइम्स ऑफ V माइनस 1/2 ऑफ QV। तो आंसर क्या मिल रहा है बच्चों अपन को? हाफ ऑफ QV, और कुछ नहीं होता है ये, बेसिकली एक तरह का हीट लॉस होता है ना। कंप्लीटली वर्क यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा और वही हमारा टॉपिक है हीट डिसिपेशन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स।